बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सब देखने वालों को बहुत ईद मुबारक। हमारे बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त, हमारे बड़े, हमारे रहनुमा जनाब पादरी शाहिद अनवर साहब अभी यहाँ पहुंचे तकरीबन रात में 8 बजे और केक लेकर आए। शाहिद साहब, आपको भी ईद मुबारक। क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? मैसेज ये कि हमारे यहाँ रवायत है कि जो अपने घर के लोगों को ईद के पहले दिन मुलाकात करते हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, और जफर को मैं अपना भाई छोटा समझते हुए हमेशा मानता हूँ, तो इसलिए ईद मुबारक देने आया हूँ। और अब मैं खुदाम को शुक्र अदा करता हूँ, जैसे आज तमाम जगहों पर सबसे ज़्यादा GDC को सराहा जा रहा है, और जब मैंने बाहर जानवर देखे तो इतने बड़े और अच्छे और सेहतमंद जानवर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा जो खाले हैं वो GDC को, कराची के लोगों ने प्यार अपना दिखाया है। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ इस मोहब्बत के जो इसने बांटी है जफर ने, और ये मेरे ख्याल रिटर्न है जफर को इन मुहब्बतों का, जो इस कराची में एक ऐसा समा पैदा कर दिया है कि हम सब एक 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 पेश में नजर आ रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको दिखाऊं, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से पादरी साहब केक लेकर आए, और पादरी साहब आपके हाथ से ही कटवाएंगे। पादरी साहब हर अच्छे बुरे में हमारे साथ हैं, हम इनके साथ होते हैं, और ये जो मोहब्बतों का सफर कराची में पाकिस्तान में फैल रहा है, और इस केक के ऊपर बड़े बड़े पाइन एपल के पीसेस लगे हुए। पादरी साहब आ रहे हैं सर। आप सबको जी ईद मुबारक। बहुत मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला पीस भी जो है पादरी साहब को मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। शुगर वुगर तो नहीं है ना? गुजारा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये मेरा पहला पीस पादरी साहब, ये आप खुद खत्म करेंगे। अच्छा भाई, देखने वालों का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एरियाने कराची का शुक्रिया। सुबह से हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम भी लगे हुए हैं, घरों पे जा रहे हैं, खाले उठा रहे हैं, गोश्त की तकसीम जारी है। मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों में शायद इतनी खालें JDC को कभी नहीं मिली थी। ट्रक के ट्रक उठ रहे हैं खालों के, गोश्त तकसीम हो रहा है, मुख्तलिफ बस्तियां कवर हो चुकी हैं। जो हम 3 दिनों में करते हैं उतना 1 दिन में गोश्त बांट चुके हैं। लोग कोई 2 टोकरे दे रहा है, कोई 4 टोकरे दे रहा है, कोई 10 टोकरे दे रहा है, कोई पूरे पूरे जानवर दे रहे हैं। उसके अलावा जो JDC कुर्बानी बनाए मुस्तकीन, ईद के 3रे दिन होगी, वो आप देखेंगे किस तरीके से होती है। हर साल 10 सालों से उसके गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से थर तक अलग है। अब सिंध भर में कल से JDC के जानवर कटना शुरू हो जाएंगे, वो भी डिटेल दिखाएंगे। एक बार फिर पादरी शाहिद अनवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। और अगर आप किसी ऐसी बस्ती को जानते हैं जहां गोश्त पहुंचाना है, हमसे रब्ता करें, हमारी टीम वहां पहुंचेंगी और बहुत अच्छी क्वांटिटी में गोश्त पहुंचाएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।